फंस गया था, जो कि एक वो मेरी गलती थी कि गूगल मैप की वजह से मैं दूसरे रास्ते पे मैं चला गया और रास्ता थोड़ा भयंकर था। हालांकि उस रास्ते पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ जो मैंने देखा वो असल में मैंने आप लोगों को नहीं बताया है कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ। कोशिश की, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं किसी राज्य को या किसी जगह को मैं गलत साबित करने की ये कोशिश नहीं है मेरी, बस आप लोगों को पता चले इसलिए। और सबसे बड़ी बात कि रही बात फाइनेंस की, कि मेरी यात्रा के दौरान मेरे को खर्चा कहाँ से आया, इतने पैसे कहाँ से आए, तो भाई इसके बारे में मैं वीडियो। और एक बात आपको बतानी थी गाइस कि जैसे कि ये हमारी केदारनाथ की यात्रा समाप्त संपूर्ण हुई, वो बड़ी यात्रा तो संपूर्ण हो गई, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में मैं एक छोटी यात्रा भी करने वाला हूँ जो कि द्वारका और नागेश्वर। महादेव, जय श्री राम, केम चौबदा मजामा। और गाइज काफ़ी दिन हो गए हमारी यात्रा समाप्त हुए और आज मैं अभी आया हूँ मेरे गांव के बीच पे, समंदर किनारे पे, जो कि आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं ब्यूटीफुल बीच। और भाई स्वागत है आप लोगों का और एक नए वीडियो में और एक नए ये सुहानी श्याम में। और अभी शाम के हुए हैं 7:30, क्योंकि इतने दिनों से कोई वीडियो डाली नहीं थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था इतना कि कोई वीडियो बना के डालूं। लेकिन आज थोड़ा टाइम मिला, मैं और मेरा बेटा जो अभी ये खेल रहा है, दोनों बाप बेटे समंदर किनारे पे आ गए हैं। और दोस्तों यात्रा हमारी 18 तारीख को समाप्त हुई, मैं घर 18 तारीख को पहुंच गया था। और इसके बाद मेरे समाज के लोगों ने सूरत में स्वागत रखा था, स्वागत मतलब कि मेरा सम्मान करना चाहते थे। तो 26 मई को मैं सूरत था, वहां पे टूना मैच थी, हमारे ही समाज ने रखी थी और वहां पे मेरा सम्मान हुआ। और मेरे को जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी है कि जो ये फ़ोन जो है मेरा खो गया था, तो समाज के एक मेंबर ने मेरे को फ़ोन भी गिफ्ट किया और लोगों से मिला, लोगों की बधाइयाँ ली। और उसके बाद में गया गोंडल, गोंडल भी हमारे ये मनसुख भाई जिनके बेटे की पूर्ण तिथि थी,
तृतीय पूर्ण तिथि थी, तो कुछ कार्यक्रम रखा था और मेरे को वहाँ पे बुलाया था, तो वहाँ भी मेरे को अवॉर्ड दिया। और सूरत में भी मेरे को वीर मेहूर, जो वीर मेहूर हमारा इष्ट देव है, वहाँ पे सूरत में वीर मेहूर युवक मंडल है, उनकी ओर से मेरे को एक अवॉर्ड भी दिया, जो ये अवॉर्ड अभी आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दोस्तों वहाँ की कुछ ट्रिक तो मेरे पास थी नहीं, बस ये फ़ोटो थी जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन था नहीं, ये फ़ोन तो बाद में मेरे को मिला। और एक बात आपको बतानी थी गाइस, कि जैसे कि ये हमारी केदारनाथ की यात्रा समाप्त संपूर्ण हुई, वो बड़ी यात्रा तो संपूर्ण हो गई, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में मैं एक छोटी यात्रा भी करने वाला हूँ, जो कि द्वारका और नागेश्वर। और नागेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, और द्वारका लोगों ने भी मेरे को बताया कि द्वारका जाना जरूरी है, तो द्वारका भी हम जाएंगे। यहाँ से मेरे गांव वडोदरा जाला से ही मैं स्टार्ट करूँगा, कब जाऊँगा ये तो पता नहीं, लेकिन बस थोड़ा टाइम मिले उसके बाद मैं निकलूँगा द्वारका। यहाँ से सोमनाथ जाऊँगा, सोमनाथ से द्वारका के लिए मैं निकलूँगा, मतलब कि पैदल ही जाऊँगा सोमनाथ, सोमनाथ से द्वारका और द्वारका से नागेश्वर। ये यात्रा हमारी कुछ दिनों में स्टार्ट होगी, और उसके बाद आपको और एक जानकारी, आपको और एक इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि हमारी यात्रा केदारनाथ की जो थी वो संपूर्ण हुई, लेकिन गौरीकुंड पे मैंने यात्रा स्थगित की है। जो 12 ज्योतिर्लिंग में से ये 3 जगह पे, ये केदारनाथ, बद्रीनाथ और पशुपतिनाथ, ये 3 जगह पे मैं जाऊंगा, तब मेरी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, ज्योतिर्लिंग की यात्रा जो है वो संपूर्ण होगी। केदारनाथ की यात्रा संपूर्ण हो गई, जो कि आप लोगों ने देखा और काफ़ी अच्छा प्यार भी मिला, और ऐसे ही वीडियो आती रहेगी गाइस, कि यहाँ तक मैं पहुँचा, केदारनाथ पहुँचा, केदारनाथ से वापस मैं घर पहुँचा। मैंने एक भी वीडियो में नहीं बोला कि सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लेकिन अगर आपको थोड़े से भी वीडियो मेरे पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर दो, इससे क्या है कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। और मेरे गांव के आसपास सोमनाथ है, जैसे कि दीव है, और काफ़ी सारी जगह है, ऐसे हिडन जगह बहुत है जो लोगों को पता नहीं है, जो बाहर से आते हैं, गुजरात के तो ठीक है, लेकिन जो बाहर से आते हैं उन लोगों को पता है नहीं। तो ऐसी जगहों पे मैं जाके वहाँ की जानकारी लेके आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँगा, यही मेरी कोशिश रहेगी। और एक बात भी आपको बतानी है गाइस, कि हमारा चैनल मोनिटाइज हो गया। और एक बात आपको बतानी है गाइस, कि वो कहते हैं ना कि कोई काम करो तो उसका फल अवश्य मिलता है, तो महादेव ने हमें हमारा फल दे दिया है। और सबसे बड़ी बात कि रही बात फाइनेंस की, कि मेरी यात्रा के दौरान मेरे को खर्चा कहाँ से आया, इतने पैसे कहाँ से आए, तो भाई इसके बारे में मैं वीडियो डिटेल में थोड़े दिनों के बाद बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़े में मैं निपटा दूंगा तो ये चलेगा नहीं, आप लोगों को मतलब पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी नहीं। बहुत से लोगों ने मेरी हेल्प की, बहुत बहुत, इतनी हेल्प मैंने, जितनी की मैंने सोची नहीं थी उससे भी कहीं ज़्यादा मेरे को हेल्प मिली, और ये सब कुछ हुआ एक ही बंदे के पीछे। तो दूसरी बात ये कि हमारा चैनल मोनिटाइज हो गया, जो कि ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, ये मैंने सोचा नहीं था कि इतनी तरक्की मिलेगी, इतना कॉन्फिडेंस में था नहीं कि शायद चैनल मोनिटाइज भी होगा। ये बस वीडियो में डालता था मेरे गांव वालों को, मेरे समाज को पता चले कि भाई मैं यहाँ पहुँचा हूँ, लोगों की हेल्प मिले। लेकिन चैनल अभी हमारा मोनिटाइज हो गया, जो इस चैनल से इनकम होगी, इस चैनल से जो भी रेवेन्यू आएगा, 10% जो रेवेन्यू है वो हम किसी अच्छे काम में यूज़ करेंगे, जैसे कि कोई है बहुत बड़े, मतलब कि कहना मैं ये चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से अब मैं वो काम कर सकता हूँ जो मैंने सपने देखे हैं, लोगों की मदद करना, लोगों के काम में आना। जैसे कि इस यात्रा के दौरान मेरे को बहुत से लोग काम में आए, बहुत से लोग आगे आए, तो इस चैनल के माध्यम से मैं वो काम कर सकूँगा जो मैं, बस इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जैसे मेरे को यहाँ तक आप लोगों ने पहुँचाया। मैं
आशा करता हूँ कि आप मेरे को और भी आगे लेके जाओगे। और दोस्तों, जो लोग भी मेरे को ये यात्रा के दौरान रास्ते में मिले, जिस किसी ने भी मेरी हेल्प की, मेरी मदद की, अपने घर पे सुलाया, अपने होटल पे, वो सभी लोगों को थैंक यू मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से। क्योंकि इतना मैंने सोचा नहीं था कि हाँ भाई, नॉर्मल बंदा है, अकेला है, लेकिन फिर भी मेरे को लोगों ने अपने घर पे सुलाया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। घर में बहन बेटी भी होती है, लेकिन कोई क्या है कि ऐसे तुरंत अपने घर तक तो नहीं लेके जाएगा। लेकिन मेरे आगे महादेव का नाम था, केदारनाथ का नाम था, तो इसके पीछे जो भी मेरे को सम्मति मिली है वो केदार बाबा के पीछे ही मिली है, मैं ये मानता हूँ। और जो नाम मेरा हुआ है मेरे समाज में, ना किसी ने इतनी लंबी यात्रा की है, शायद आने वाले दिनों में कोई करे, ये एक अलग बात है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि हाँ ये मैंने ही किए हैं तो और कोई कर नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। बस अपने मन में संकल्प, बस अपने मन में संकल्प होना चाहिए और दृढ़ संकल्प होना जरूरी है कोई काम लेके अगर आप निकलते हो। और एक बात मैं बता दूं कि जब मैं यहाँ से निकला घर से, तब मेरी जेब में सिर्फ इतने पैसे नहीं थे, मेरे को बस एक दोस्त को मैंने बोला था 2000 रुपये, वो दे गया था, लेकिन 2000 में से भी मैंने 800 रुपये तो मैंने इधर ही खर्च कर दिए थे, 1200 रुपये था, 1200 रुपये में 1000 रुपये घर पे दे के निकला था। और मेरे गांव के सरपंच, जो कि महिला सरपंच है, वो मेरे घर पे आके, मैं ये सोच रहा था कि अभी पैसे है नहीं, मैं निकलूंगा कैसे, निकल तो जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं थी बगैर पैसे के भी, लेकिन वो बस मैं सोच में था, ताकि सरपंच श्री आए मेरे घर पे और 5000 रुपये मेरे हाथ में थमा के चले गए। ये एक किसी को पता नहीं है किन किन लोगों ने मेरी हेल्प की, किन किन लोगों ने मेरे को पैसे दिए, ये सब एक मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि भाई जो इंसानियत आज भी अभी है, ऐसा नहीं है कि कोई आपके मदद में नहीं आएगा, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। और पूरी यात्रा के दौरान मेरे को एक भी ऐसा अनुभव, एक भी ऐसा खट्टा अनुभव नहीं हुआ कि मेरे को लगे कि कोई ऐसा बंदा भी नहीं मिला, कोई जगह ऐसी। बस राजस्थान में एक जगह पे मैं फंस गया था, जो कि एक वो मेरी गलती थी कि गूगल मैप की वजह से मैं दूसरे रास्ते पे मैं चला गया और रास्ता थोड़ा भयंकर था। हालांकि उस रास्ते पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो मैंने देखा वो असल में मैंने आप लोगों को नहीं बताया है कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ, क्या मैंने कौन सी एनर्जी फील की, पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी। इतना तो मेरे को पता था कि मेरे साथ पॉजिटिव एनर्जी चल रही है, तो नेगेटिव एनर्जी का तो आना संभव था ही नहीं। कोशिश की, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं किसी राज्य को या किसी जगह को मैं गलत साबित करने की ये कोशिश नहीं है मेरी, बस आप लोगों को पता चले इसलिए मैं बता रहा हूँ। बताऊँगा और जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊँगा, बहुत सारी ऐसी बातें जो आप लोग जानते नहीं। वीडियो में तो आपने जो मैंने दिखाया वही आपने देखा, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी दिक्कतें भी आई, मतलब कि दिक्कत नहीं कह सकते उसको, दिक्कत तो देखो अगर आप कोई अच्छे काम के लिए निकलोगे तो आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती। अगर आप दिक्कत से डरोगे तो आप जो काम लेके निकले वो काम आपसे होगा नहीं। हाँ, इतना बता सकता हूँ कि बाबा ने ये हमारी यात्रा जो थी वो संपूर्ण करवा दी। लोगों को, कुछ लोग ऐसे भी है जिनको लगता था कि भाई बंदा आधे से वापस आ जाएगा, या तो फिर बस में बैठ जाएगा या ट्रक में बैठ जाएगा, लेकिन अच्छा है उन लोगों के लिए भी, क्योंकि आधी मेरी यात्रा मेरे को पहुंचाने में उन लोगों का ही सबसे बड़ा हाथ है। अगर वो लोग ऐसा बोलते नहीं, मेरे मन में ये ख्याल आता नहीं यार अगर मैं नहीं पहुंच पाया, ऐसा कभी मेरे को लगा ही नहीं कि मैं यात्रा छोड़ूं, बल्कि और काफ़ी सारी यात्रा करने का मेरे मन में ख्याल आया है, जो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में शुरू होगी। अभी तो क्या है कि माई वाइफ इज़ प्रेग्नेंट, तो अभी उनके साथ भी रहना जरूरी है, थोड़ा टाइम फैमिली को देना जरूरी है। अभी बस कुछ दिनों में अच्छी खबर भी आएगी, बाबा की प्रसादी जो वो देंगे वो हम स्वीकार करेंगे। और चलो दोस्तों, इस वीडियो को अभी मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और अगली वीडियो जो है वो मैं पूरी डिटेल के साथ मैं डालूँगा,
लोगों के बारे में भी आपको बताना है ताकि आप लोगों को पता चले। तो चलो आप लोगों का साथ, पर सर पे महादेव का हाथ। हर हर महादेव। जय श्री राम।